होता है 6 × 10³। मैं 0 टू 2 डिक्लेयर कर रहा हूं। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू कितना बोला आपका 63 ग्राम्स ऑफ HNO3 यानी 6 × 10³ मॉलिक्यूल्स HNO3 उनका वजन कितना है 63 ग्राम। समझ आ रहा है? यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं, नीचे लिख देता हूं करेक्ट कर लेना, खड़ा होकर देख लेना। तो आप बोलेंगे देयरफॉर वन मॉलिक्यूल्स या वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल जुड़ क्या बोलेगा बोलो एक्स ग्राम्स। समझ आ रहा है ना? इतने मॉलिक्यूल्स का वजन इतना है तो एक मॉलिक्यूल का आप क्या बोलोगे एक्स ग्राम। अभी आपको क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या मिलेगा 6 × 10³ × x इज इक्वल टू 63। समझ आ रहा है? तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। चलेगा? यही आपका क्या है एक मॉलिक्यूल का वजन, एक मॉलिक्यूल का वजन। अगर सिंपलीफिकेशन करना है देखिए सिंपल 6 × 10³ ना, आपको हो जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 0 = 0 0.30 × 10⁻²⁰ ग्राम्स यानी एक मॉलिक्यूल का वजन है। कितने लोग पीछे छूट गए? मैं किसको पीछे नहीं छोड़ना चाहता हूं। एक इस क्वेश्चन से कितने लोग पीछे छूट गए? सबको समझ में आया क्या? एक और फिर से आपके सामने नमूना पेश करते हैं। नमूना लीजिए, एग्जांपल सॉल्व करके बताइए। फाइंड वेट ऑफ वन एटम ऑफ लेते हैं हम लोग सोडियम और सोडियम का एटॉमिक मास है आपका, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 नहीं हुआ क्लिप? नहीं समझा? अभी तो बोले नहीं समझा सर। कितने लोग? पूर्वा, ईशा, आपका नाम बेटा वैशाली, समीक्षा, समझ में आया? लास्ट गर्ल्स, नींद हो गई आपकी बेटा? नींद आ रही ना आपको? आ रही ना? तो थोड़ा बहुत समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, वहां पे बेटा मस्ती चल रही ना? आराम से चुप चुप के मस्ती चलने दो। ठीक है, देखो फिर से आपका सवाल करते हैं। देखिए आप बोलोगे एवोगाड्रोस, मैं से लिखू? चलो आपने लिखा, देखिए आप लिखे वन मोल ऑफ सोडियम एटम्स, वन मोल ऑफ सोडियम एटम्स वेस कितना मोल आपका 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? आंसर बोल रहे हो क्या? अच्छा, तो आप बोलोगे देयरफॉर वही मिलेगा आपको, क्या बोला आपका Na एटम्स, यहां पे Na एटम्स और बोलो क्या आपका सोडियम ऑफ सोडियम इज इक्वल कितना 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। देयरफॉर क्या बोलेंगे वन एटम ऑफ सोडियम वेस कितना बोलो आपका x ग्राम ऑफ सोडियम, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस जो भी आपको सॉल्व करना पड़े। क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है? बोल समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? जल्दी से एग्जांपल्स लिख लो। ठीक है, आगे देखें। आगे देखें। और एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना? देखिए पहला प्रॉब्लम ये है, फाइंड मेरे साथ देखना, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पहला है 18 ग्राम ऑफ H2O
दूसरा 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तीसरा 9 ग्राम ऑफ H2O, चौथा 49 ग्राम ऑफ H2SO4, पांचवा 126 ग्राम्स ऑफ HNO3. फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन also find number of molecules and number of atoms. थोड़ा अभी क्वेश्चन बड़ा हो गया ना, अभी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया. Find number of moles present in ये, also find number of molecules and number of atoms. तो आपके लिए दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी तुम लोगों के लिए मैं होमवर्क दूंगा. उस सब ने ये वाला क्या? हाँ. ओ नहीं था. ये नाइन दिख रहा है कि नहीं? हाँ. दिख रहा है ना? देखिए नाइन. ठीक है काकरे जी, देखिए इधर. पहला है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन. क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया ना, अच्छा नहीं लग रहा था वो. फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन. ये देखिए पहला 18 ग्राम ऑफ H2 दिया है कि नहीं? अब सीधा है, मॉलिक्यूल का मास ऑफ H2 कितना होता है आपका? 18 ग्राम. अब बोलो इसमें कितना मोल है? देखिए ऐसे बोलते हैं तो पहला फॉर्मूला ऐसे लिए, number of moles n is equal to weight in gram divided by बोलो क्या आपका molecular mass. सीधे सीधा formula बनता है, number of moles निकालने के लिए क्या है? weight in gram divided by molecular mass. n क्या है? number of moles. n आपके है number of moles. n है आपके number of moles. पहले इसमें आप देखो number of moles निकाल लेना, आप बोलोगे number of moles n is equal to वेटिंग ग्राम कितना दिया है? 18. और मॉलिक्यूलर मास भी कितना है? 18. दैट इज इक्वल टू कितना मोल? 1 मोल. है कि नहीं? 1 मोल. 1 मोल. यानी 1 मोल ऑफ बोलोगे आपका वाटर. है ना? आप बोलोगे 1 मोल. 1 मोल ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ H2. 1 मोल ऑफ H2. यानी कितने एटम्स ऑफ H2 मोल ऑफ के हैं? 6.022 into 10 to the power 23 molecules, sorry. मॉलिक्यूल्स ऑफ बोलो क्या आपका H2. देखो 1 मोल ऑफ H2 ये मॉलिक्यूल है ना, इज इक्वल टू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. समझ में आया? अभी हमने मॉलिक्यूल्स निकाले, अपने क्या निकाले का है? एटम्स. तो हम क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल. दैट इज इक्वल कितना बोला आपका? 3. H2 है कि नहीं? 3. वन मॉलिक्यूल. अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 16 और 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ना. हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल. दैट इज इक्वल कितना बोला आपका? 18 ग्राम ऑफ H2. दैट इज इक्वल क्या मिलेगा? 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर. चलेगा ना? 3 into Avogadro's number. जो भी होगा समझ में आ रहा है? सेम आपके लिए और सॉल्व करते 98 ग्राम वाला. पहला आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसे करना, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. दैट इज n इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 98. दैट इज इक्वल टू 1 मोल. है कि नहीं? आप बोलोगे नंबर ऑफ एटम्स, पहले बोलोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कितना बोलो आपका? 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल कितना बोलो आपका? 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23
मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है ना। उसके बाद बोलेंगे आपका बोलो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना बोलो आपका सेवन एटम्स। क्लियर है ना, सात एटम देखिए H2SO4 का आ गया, दो तीन और सात, वन मॉलिक्यूल कंटेन्स सेवन एटम्स। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ H2SO4 दैट इज कितना बोलो आपका सेवन इंटू एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, जल्दी से सॉल्व करके बताना योगिता, मन ही मन में निकला नहीं है। नेक्स्ट टू आप बोल 3.3 आप बोल है कि नहीं, तो सिंपल है, कितने आपके मॉलिक्यूल्स होंगे Na by 2 और कितने एटम्स होंगे Na by 2 into 3 क्लियर है। एक मिनट रुकना, चेक करना है आप ऐसे ऐसे 14 में जाना करो, कितने मोल्स हाफ मोल्स ना, यानी कितने एटम्स हुए, कितने मॉलिक्यूल्स हुए Na by 2 मोल्स हुए और कितने एटम्स होंगे Na by 2 into 7 Na by 2 into बोलोगे आपका 7। क्लियर है कि नहीं, इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखना अभी हम बहुत बेसिक्स में है, लेकिन यही बेसिक्स आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में चला जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो बहुत इजी, आई होप मैं इजी बनाने में कामयाब हो रहा हूँ, इससे इजी नहीं बना सकता मैं, लिख के बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना है हमको। एग्जैक्टली जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम सॉल्व करने, याद रखना। मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो रोते हुए सर ये तो क्या तुम्हें पढ़ाया नहीं, ये तो क्या आपने पढ़ाया नहीं, ये तो आपने पढ़ाया नहीं, भैया बेसिक तो यही रहेगा सब में, है ना। मॉड्यूल थोड़ा सा अलग है, फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा और अलग है, तो बस रोना मत, कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना, ऐसा लिख ले इसको जल्दी से। ओके, देखो यहां आपका क्वेश्चन ये है कि सर यहां पे हाफ मोल कैसे आ रहा है। देखिए H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है 98, तो 98 का अगर कितना हो गया 49, ठीक है ना। अगर मैंने 98 ग्राम ऑफ H2SO4 लिया तो कितना बनेगा 1 मोल, उसका आधा ले रहा हूं तो कितना बनेगा हाफ मोल। अगर हाफ मोल है तो कितने एटम्स होंगे एवोगैड्रो नंबर, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर बाय 2, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है 7, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे Na by 2 into 7। क्लियर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी है, बेसिक पे ही चल रहे, थोड़ा सा और आगे उठाएंगे। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, थोड़ा सा और आगे उठाएंगे, समझ में आ रहा, आज उठाएंगे कल उठाएंगे, ठीक है, तब तक आप देख लेना इसको।